यह भी भ्रष्टाचार है। जो वादे सांसद ने किए थे उन सांसद के वादों को पूर्ण नहीं किया गया, यह भी भ्रष्टाचार है। किसी थाने में मैं जाकर के अपनी बात को कहूं, मेरे साथ कोई घटना घटित हुई है, मेरे साथ चोरी हुई है, मेरे साथ डकैती या मारपीट हुई है, मेरी बात को वहां बैठा हुआ अदना सा मुंशी या एक इंस्पेक्टर मेरी बात को ना सुने, यह भी भ्रष्टाचार है। किसी विभाग का बाबू, किसी विभाग का अफसर मेरी बात को ना सुने, यह भी भ्रष्टाचार है। और किसी दफ्तर का या किसी जिले के कलेक्टर सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गांव और जनपद के अंतिम व्यक्ति के साथ सही व्यवहार ना करे, यह भी भ्रष्टाचार है। ऐसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं है। और एक प्रश्न आप लोगों के बीच में छोड़ता हूं, पवित्र आत्मा के साथ और पवित्रता के साथ बताइएगा, दो चार छह लोगों को छोड़ करके, कभी आप लोग थाने गए क्या सम्मान के साथ कुर्सी मिली? क्या सम्मान के साथ संबोधन मिला? क्या कलेक्टर के दफ्तर में गए, क्या कलेक्टर ने कहा कि आइए आदरणीय बाबूजी बैठिए? कहा नहीं। क्या एसडीएम ने कभी आपको सम्मान दिया? क्या ब्लॉक के वीडियो ने कभी आपको सुना? क्या कभी पीडब्ल्यूडी के एक्शन ने आपको सुना? आपकी खेलनी से और मसौ तक की सड़क कई वर्षों तक टूटी रही, तमाम फोन किए गए, विधायक जी से भी कहा, सांसद जी से भी कहा गया, पीडब्ल्यूडी के एक्शन से भी कहा, लेकिन सड़क कब बनी? जब खून पी लिया हमारा, कई एक्सीडेंट हो गए, कई बार दुर्घटनाएं घटित हो गई। क्यों नहीं सुना गया? इसलिए नहीं सुना गया क्योंकि हम लोग राजनीति करते हैं गांव में चौपाल पे बैठ करके, लेकिन कभी गांव के विकास के मुद्दों पर सही सकारात्मक ईमानदारी के साथ चर्चा नहीं करते। हम लोग संगठित नहीं है, हमारा संगठन नहीं है। और आप लोगों को भी देकर के जाऊंगा, तो इसमें अन्ना जी ने लिखा कि गांव का विकास तब संभव है जब देश की राजनीति और क्षेत्र की राजनीति को गांव के बाहर रखा जाए। गांव के मोहल्ले से एक एक व्यक्ति विधायक और सांसद का चाटुकार है, एक एक व्यक्ति। सामान्य दृष्टि से नहीं विकास हो रहा। मैं विधायक का आदमी हूं, मैं सांसद का आदमी हूं, यही है गांवों में, नहीं है। लेकिन जो गांव का अंतिम व्यक्ति है वह वकील साहब कोर्ट में बैठते हैं, उधर दूसरे वकील साहब कोर्ट में बैठते हैं। आप नेताजी हैं, आप भाई साहब और समृद्ध हैं, मैं अपने व्यवस्थाओं के तहत विधायक सांसद से मिलकर काम करा लूंगा, मेरी पहचान है, मैं फलाने सिंह का बेटा हूं, इसलिए मुझे सम्मान मिल जाता है। लेकिन क्या उस व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलना चाहिए जो इस गांव का सबसे गरीब है? संविधान तो यह कहता है कि उसको भी उतना मिलना चाहिए, उसके घर के बाहर भी नल लगना चाहिए, उसके लिए भी मार्ग बनना चाहिए। तो ये दोहरी नीति और दोहरा चरित्र क्यों? इस दोहरी नीति और इस दोहरे चरित्र को समाप्त करने के लिए करप्शन फ्री इंडिया संगठन का गठन हुआ। यहां तक बात समझ में आई? तो आज जो करप्शन फ्री इंडिया संगठन के लोग आप लोगों के बीच आए हैं, वो आप लोगों के बीच इसलिए आए हैं, वो बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, भाई वो कहना चाहते हैं कि हमें राजनीतिक नहीं बनना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैंने आदरणीय अन्ना हजारे जी को लिखित में दे रखा है कि मैं जीवन में कभी राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, कभी एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लूंगा। दिमाग से फिक्र खत्म हो गया कि दो दिन समाज सेवा करेगा और तीसरे दिन नेता बन जाएगा? खत्म ना। संकल्प लिया है कि जीवन भर जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक इस देश और समाज की सेवा करूंगा, जितनी सामर्थ्यता है उस सामर्थ्यता से अधिक, क्योंकि इस देश का, प्रिय साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, क्योंकि इस देश का, इस क्षेत्र का, इस गांव का मेरे ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को उतारने का प्रयास करूंगा और वो कर्ज आप तमाम सब लोगों पर भी है। जो आप लोगों को बताना चाहता हूं, सिर्फ वकील साहब, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि करप्शन फ्री इंडिया जो संगठन है,
वो संगठन एक ऐसी व्यवस्था बन रहा है, और दिन प्रतिदिन जब ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग और साकीपुर गांव से राशि प्रधान जी के भतीजे अनिल भाटी जी जैसे लोग और वकील साहब और वकील साहब जैसे देवता गांव के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो संगठन बढ़ रहा है। तो संगठन का जो मतलब है, संगठन का जो देह है वो कल नेता नहीं बनना, कल दल नहीं बनना, संगठन का मतलब है और संगठन बनाने का जो मकसद है वो मकसद ये है कि हम एक ऐसा प्रेशर ग्रुप तैयार करें, एक ऐसी टीम तैयार करें जो जिस टीम को सत्ता भी सुने और विपक्ष भी सुने। कहीं जात की बात नहीं, कहीं धर्म की बात नहीं, जिस संगठन में काले गोरे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, ऐसे संगठन का निर्माण हमने किया है।